चलो दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे इंडिया का जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वजीर एक्स, उसके बारे में। इस एक्सचेंज में हम कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, उससे फ़ायदा हम कैसे लेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैंने इंटरफेस खोल के रखा हुआ है जो वजीर एक्स का एक्सचेंज है, जिसमें हम अपना क्रिप्टो करेंसी अपने पैसों से खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं आज का ये इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में हम आपको वजीर एक्स की शेयर कराएंगे, जहां पर उसका पूरा इंटरफेस के बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो में आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया हूँ। यदि आपके पास वजीर एक्स का अकाउंट नहीं है तो विजिट करिए डिस्क्रिप्शन में, और लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ज़रिए आप अपना अकाउंट ले सकते हैं। और वजीर एक्स, सच में वजीर एक्स में काम करना बहुत ही आसान है, जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। चलो शेयर करते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है क्विक बाई, क्विक बाई में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे उसमें जो फेवरेट, जो अच्छे क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट में सच में वैल्यू है, उस करेंसी का लिस्ट किया हुआ है वजीर एक्स के द्वारा। तो हम क्विक बाई में जाके पूरा उसका डिटेल्स देख सकते हैं। हम हर कॉइन को पर्सनली चेक कर सकते हैं। उस 2553 का जो भी वैल्यू है वो पहले से ऑलरेडी है मेरा। हमें क्रिप्टो करेंसी में वजीर एक्स में काम करना है, पहले आपको फंड ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट के ज़रिए। 2553 का जो भी वैल्यू है वो पहले से ऑलरेडी है मेरा, तो आपको ऐड करना है तो आप डिपॉजिट में जाके ऐड कर सकते हो। तो आप अपना लेने के लिए आप डिपॉजिट में जाके क्लिक कर सकते हो। जब हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे आता है डिपॉजिट बिट और विड्रॉल वाला ऑप्शन, उसमें हम डिपॉजिट में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें तीन ऑप्शन मिल जाता है। पहला होता है इंस्टेंट डिपॉजिट, सेकंड होता है इंस्टेंट डिपॉजिट वॉलेट ट्रांसफ़र, थर्ड में आता है वजीर एक्स P2P। उसमें जो पहला ऑप्शन है इंस्टेंट डिपॉजिट नेट का है, नेट बैंकिंग का है, उसमें आपको मैक्सिमम 4,99,000 तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ कर सकते हो। उसका जो चार्जेस रहता है 23.6 रुपीज़ का जो चार्जेस रहता है, उसका चार्जेस उतना लगेगा। तो इसीलिए आप सेकंड वाला ऑप्शन है इंस्टेंट डिपॉजिट, जिस का वॉलेट ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे मोबी क्विक एक वॉलेट होता है, इंडियन एक वॉलेट मोबी क्विक है, उसके ज़रिए आप अपना बैंक को लिंक कर सकते हो। मैं अगला वीडियो में बताऊँगा मोबी क्विक में काम कैसे करते हैं। तो वहाँ से मोबी क्विक के ज़रिए यहाँ पर आप इंस्टेंट डिपॉजिट दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है वजीर एक्स P2P, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं और एक दूसरा वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दूंगा बजट। चलो हम बैक जाके देखते हैं। बैक में आपको क्विक बाई में हम फिर जाते हैं, देखते हैं उसका इंटरफेस में ऊपर है इनवाइट एंड ईयर। ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कोई भी बंदा अपने कोई दोस्त को रेफ़र कर सकता है, और जो रेफरल कमीशन है वो 50% मिलता है। उसका रेफरल कमीशन नहीं, ये जब वो ट्रेड करेगा, ये रेफरल कमीशन नहीं, जब आप लोग ट्रेड करोगे, कोई बंदा कोई दोस्त आपका ट्रेड करेगा, उसी का जो कमीशन आपको वजीर एक्स में आएगा उसी का 50% आपको मिलेगा। मतलब जब 100% पकड़ लीजिए 2 रुपया 3 रुपया जो भी वजीर एक्स को कमीशन मिलता है 50% आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सचेंज के ऑप्शन में। एक्सचेंज के ऑप्शन में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी है। आप लोग को सर्च करना है, आपका पसंदीदा शेयर को सर्च करना है और क्लिक करना है, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सचेंज एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप डायरेक्ट जाके क्रिप्टो करेंसी सर्च करके, चलो आप पकड़ लो BTC, चाहो वजीर एक्स, जो भी कॉइन है आपको पकड़
खरीदना है तो आप जाके उसमें क्लिक करिए, उसमें सर्च करिए, उसके बाद उसको पकड़िए और जो करना है, इन्वेस्ट करना है, स्टेकिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, आप कर सकते हो। उसके बाद आता है BTC। BTC एक ऑप्शन है जहां पर कोई भी कॉइन को आप खरीदोगे तो BTC के माध्यम से, BTC टोकन के माध्यम से खरीद सकते। उसके बाद आपको मिल जाएगा P2P नेटवर्क, जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको स्किप कर थोड़ा छोड़ दीजिए, इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, आपको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है एस टी एफ, जो कि एक म्यूचुअल फंड जैसा स्टेकिंग है। आपको लेना है, STF में कलेक्शन रहता है, अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसी का कलेक्शन रहता है। STF के ज़रिए आप अपना, जैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे, पकड़ लीजिए यहाँ पॉली के ऊपर क्लिक किया हुआ है। पॉली के ऊपर क्लिक करने के बाद एक फेवरेट वाला ऑप्शन आता है, एक स्टार मार्क आता है, उसी में आप क्लिक करेंगे तभी जाके आपका फेवरेट में, आपका जो वॉच लिस्ट होता है उसी में जाके ऐड हो जाता है। आप स्टार का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आपको किसी को डिलीट करना है तो उस जिस कॉइन को आपको डिलीट करना है वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ आप वॉच लिस्ट से हटा सकते हो। चलो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ किसी टोकन को कैसे बाय और सेल करते हैं। हम क्लिक करते हैं हॉट टोकन के ऊपर, 200 रुपीज़ का हम बाय करेंगे, उसका प्राइस देख लेंगे एक बार, उसको बाय में लगाएंगे और स्लाइड टू कन्फर्म में क्लिक कर देंगे, वो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। मैंने ऑर्डर लगा दिया है हॉट टोकन के ऊपर, 200 रुपीज़ का स्लाइड टू कंफर्म कर दिया है। हम जाके बैक में चेक करके देख सकते हैं, ऑर्डर में ये पेंडिंग में है। ये ऑर्डर जब मेरा प्राइस टच करेगा तभी जाके ये ऑर्डर मेरा क्लिक होके ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़े टाइम लीजिए, थोड़ा टाइम के बाद ये एग्जीक्यूट हो सकता है और हो जाएगा। चलो एक बार ऑर्डर डिटेल्स में हम देख लेते हैं हमारा हमारा जो हॉट टोकन परचेस हुआ कि नहीं और किधर हो। उसके बाद बैक आता है, एक्सचेंज के ऊपर हम चले जाते हैं। एक्सचेंज में जाके हमें कैसे सेल करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। सेल करने का प्रोसेस भी कोई क्रिटिकल नहीं है, एकदम ईजी है। सेल करने के लिए सिंपल हम हॉट टोकन के बाय और सेल ऑप्शन में जाके सेल ऑप्शन को क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे तो सेल अपने आप हो जाएगा। चार्ट के ऊपर जाएंगे, हॉट टोकन का चार्ट के ऊपर हम जाएंगे तो चार्ट उसका दिख रहा है जिगजैग, रेड एंड ब्लू में जब दिख रहा है जो वो चार्ट है उसका, उसमें अप एंड डाउन का वो सब दिखा रहा है। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्डर के ऊपर और ऑर्डर में हम देख सकते हैं कितना ऑर्डर सेल हुआ है, कितना बाय हुआ है, कितना करोड़ कितना लाखों में ऑर्डर लग रहा है, कितना बाय और सेल हो रहा है। चलो बैक कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग के ऊपर, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके हम देख लेते हैं सेटिंग के ऊपर क्या क्या ऑप्शन पड़ा हुआ है, देख लेते हैं। इसमें नाम, मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ दिख जाता है। उसमें इनवाइट एंड ईयर दिख जाता है, सिक्योरिटी, एक्टिविटी लॉग, बैंक एंड पेमेंट ऑप्शंस, ट्रेडिंग सेटिंग्स, फी सेटिंग्स, डाउनलोड सब कुछ दिख जाता है। बैंक और पेमेंट ऑप्शन में आपका आपका बैंकिंग डिटेल्स डालना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट मैंने आपको डिटेल्स दे दिया है। जो सेटिंग का ऑप्शन है आप एक बार 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 चेक करके खुद का जो भी सेटिंग, आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका जो भी है फ़ोन नंबर, वो सब डाल के आप उसको डिटेल्स भर सकते हो। और मैंने सोच रहा हूँ कि मैंने सब डिटेल्स आपको दे दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जाकर आप अपना खुद का अकाउंट ले सकते हो।